Hello everyone, I am Atraya Sharma and welcome to my channel. In previous episode, we have discussed the fourth part of question number 7 of exercise 3.7. Okay, now move on to the next one, that is fifth. And the equations are 152x minus 378y is equals to minus 74, and second equation is minus 378x plus 152y equals to minus 604. Now, here, गौर से देखना. Coefficients आपके बहुत बड़े बड़े हैं, तो means वी शुड अवॉइड एलिमिनेशन मेथड. कोफिशिएंट बड़ा है तो एलिमिनेशन मेथड अवॉइड करोगे, वही बेटर रहेगा क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी. तो इससे ईजी क्या होगा, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो क्या होगा, गिवन दैट द इक्वेशंस क्या है, तो 152x माइनस 378y और यहाँ से अगर 2 आपको कॉमन दिख रहा होगा, इट विल बी 76 माइनस 189y इज इक्वल्स टू माइनस 74. ठीक है, ये आपका हो गया 76x माइनस 189y इज इक्वल्स टू माइनस 74/2. इट इज 76x माइनस 189y इज इक्वल्स टू व्हाट, बताइए. ये आपका हो गया माइनस ऑफ 37. ये आपको कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन 76x माइनस 189y. अच्छा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करनी है तो वहाँ से एक स्टेप और आगे ले ही लेते हैं. वो भी वैल्यू मानो निकालते हैं यहाँ से x के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 76x इक्वल्स टू 189y माइनस 37. और यहाँ से x की वैल्यू आ गई भाई साहब 189y माइनस 37 अपॉन 70. इसको मान लो 189y-37 अपॉन 76. ठीक है, एंड सेकेंड का आपका माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू माइनस 604. यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे फिर से, तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस 189x प्लस 76y 604. तब क्या हो जाएगी, ये देखो माइनस 189x प्लस 76y इज इक्वल्स टू माइनस 604/2. तो फाइनली यू विल गेट माइनस 189x प्लस 76y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 604 का क्या होगा, माइनस ऑफ 302. इट इज योर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, वैल्यू आपने किसका निकाला था, x का. ठीक है, अब क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, समझ क्या लिखोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी पुट करनी है, एक्स इन सेकेंड वी गेट. चलो सेकेंड इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, 189x माइनस में प्लस में है 76y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 302. क्लियर, चलिए वैल्यू पुट करिए. तो इट इज़ माइनस 189, एक्स की वैल्यू देखो क्या है, कहाँ गया, 189y माइनस 37 अपॉन में आपका हो गया 76 प्लस में हो गया 76y इज इक्वल्स टू माइनस 30. क्लियर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे देखिए आपका क्या हो गया, माइनस 189 का ये आपका हो गया स्क्वायर. ठीक है, एंड इट इज़ प्लस ऑफ 189 इंटू 37, एक टर्म ये रहा, और ये यहाँ रहा एलसीएम आपका नीचे में क्या 76, और ये हो गया आपका प्लस में 76 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 302. क्लियर, एक लाइन और सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 189 का स्क्वायर प्लस 189 इंटू 37 प्लस 76 का स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 302 इंटू ये 76 गया था. ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमा भी. हाँ, तो यहाँ पे आपका है, अच्छा 189 यहाँ पे वाई था, कोफिशिएंट छोड़ी दी, 189 का स्क्वायर इंटू वाई, 189 का स्क्वायर इंटू वाई वाला है कि यहाँ पे, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे, एक जगह थोड़ा करते हैं इसको. ठीक है, थोड़ा ये क्या हो जाएगा आपका, 189 इंटू 37 प्लस 302 इंटू 76 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ये बताइए,
189 का स्क्वायर वाई माइनस 76 का स्क्वायर। अब देखो ये इसका माइनस भी इसका दिख रहा है, वाई और कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिला आपका, ये जो वैल्यू होगी आपकी मल्टीप्लाई पे ये हो जाएगा आपका 6993 प्लस 22952 और ये आपका हो गया y तो कॉमन ही रहेगा, ये आपका हो गया 189 माइनस 76 एंड इट इज़ 189 प्लस ऑफ 76। क्लियर, स्मॉल ब्रैकेट ही लो, कैपिटल की जरूरत नहीं है। कहाँ से है भाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस। क्लियर, थोड़ा सा और स्टेप आते हैं आगे, इसको मैं इरेज करा था, नोट कर लो। हाँ जी नोट हो गया, चलिए तो इसकी भी काम अभी नहीं है, फर्स्ट यहाँ पे है तो इसको इरेज करते हैं। हाँ तो और क्या होगा, ये आपका होगा टोटल इट इज़ 69 तो हो गया 29945 29945 ठीक है, 5 हो गया ठीक है। क्लियर, तो 113 आपका ये हो गया 113 और ये हो गया आपका 265 इंटू में, अब गौर से देखोगे तो ये आपका है 29945 और ये भी आपका आएगा सेम ही और इंटू में क्या है वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई 29945 अपॉन 29945 तो वाई विल बी 1। वाई की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो तो क्या लिखोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट वी गेट, भाई साहब यहीं पे ऑलरेडी है, चलो x की वैल्यू आएगी तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू तो 1 आई है, 29 माइनस 37 बाई 76 यहाँ से आपका हो गया x इक्वल्स टू 25176 तो ये आपका हो गया x इक्वल्स टू 2। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हिंस वी गेट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 आंसर। ओके तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। ओके थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।